तो ये कहानी तब की है जब मैं माइनक्राफ्ट में प्यारे प्यारे डायमंड्स ढूंढ रहा था, तभी मेरे साथ कुछ ये हुआ। इसके बाद मैं चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, तभी उधर मम्मी का रिप्लाई भी आया। पहली फुर्सत में निकल। गाइज मुझे मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया है। आई एम नॉट जोकिंग यार, ये वीडियो एक मजाक है, कृपया इसे सीरियसली ना लें। ओके, देखो मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे मम्मी ने सच्ची में घर से निकाल दिया है। ये देखो मैंने अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है, बस मैंने ये राउटर यहाँ पे छोड़ दिया है। ये देखो कितना धूल बैठ गया है इस पे। वेट अ सेकंड गाइस, मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। A few inches later. और ये देखो मेरा प्यारा सिल्वर प्ले बटन, ये देख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे इपिक डिपिक लिखा है, तुम लोग को दिख तो रहा है ना? और नजदीक ले जाके दिखाऊं क्या? मुझे इसे भी यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ये देखो मेरा पेड़ों वाला टोपी, इसे भी मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। भक्त इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो यस, आज से मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब पता नहीं मैं कहाँ पे रहूंगा, रोड पे, फुटपाथ पे, और पता नहीं अब हम लोग कब मिलेंगे, 10 दिन, 10 महीने, 10 साल बाद, 10 सेकंड के बाद। तो क्या आप लोगों को सही में लगा मैं फुटपाथ पे रहूंगा? नहीं, मैंने अपने लिए एक नया घर लिया है, अभी तुम लोग को दिखाता हूँ। तो यस गाइस, नया घर से मेरा मतलब यही था। ये देखो आज से मैं यहीं पे रहूंगा, ये रहेगा मेरा बेडरूम और ये मेरा चड्डी पसारने वाला रूम। और क्या मैंने तुम लोगों को अपना नया गेमिंग चेयर दिखाया? मानेर साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके, अब चलो मजाक बहुत हो गया, अब मैं तुम लोग को सीरियसली अपना न्यू फ्लैट दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये रहा मेरा हॉल, काफी ज्यादा बड़ा है मुझे पता है। एंड रुक जाओ, यहाँ पे एक किचन भी है, तुम लोग को अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो टडा, ये रहा मेरा किचन, इसे बंद कर दो, इसका कोई काम नहीं है मेरे लिए। और यहाँ पे एक दूसरा रूम भी है, मुझे सीरियसली कोई भी आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अब आते हैं आज के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। एंड ये देखो टडा, देखो मैं गरीब हूँ। तो ये देखो ये मेरे वही दो पुराने मॉनिटर्स, ये वही पुराना माइक, ये वही पुराना रिंग लाइट जो कि मेरे पिंपल को कर देता है और भी ज्यादा ब्राइट, और ये बैकग्राउंड में वही पुराना एक्स वाला सिंबल। देखो तुम लोग इसका कोई उल्टा सीधा मतलब मत निकालना। और ये वही पुराना छिपकली वाला लाइट, छिपकली nope. ये वही पुराना गिरगिट वाला लाइट जो कि हर एक सेकंड अपना कलर चेंज करता रहता है। एंड एक और बात, तुम लोग को नहीं लगता यहाँ पे कुछ हरियाली ज्यादा ही है? चलो अच्छा, ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि मैंने ये फ्लैट रेंट पे क्यों लिया है। हाँ, रेंट पे लिया है, इतने भी पैसे नहीं कि घड़ी खरीद लूं, मैं गरीब हूँ। तो इसे रेंट पे लेने के बहुत सारे रीजन है, सारे के सारे नहीं बताऊंगा, लेकिन बस एक समझ लो, वहाँ पे ट्रैफिक नॉइज बहुत ज्यादा आता था। पिछले घर में इतना ज्यादा ट्रैफिक नॉइज आता था ना, मन करता था गमला उठा के उनके सर पे पटक दूं। तो आई होप कि यहाँ पे मेरा काम हो जाए, बहुत ज्यादा रेंट लग रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। तो प्लीज 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 चैनल को लाइक मारो, वीडियो को सब्सक्राइब मारो। उल्टा सीधा बोल दिया।